अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? ये है एक डब्बा जिस तरह हमने इसको आज खोलना है, जैसे कि आपने थंबनेल टाइटल पे देख लिया होगा, ये एक रिकॉर्डर है जिसकी मदद से आप रिकॉर्डर नहीं सॉरी स्पीकर है ये, जो मुझे काफ़ी साल पहले मिला था। इसके अंदर से एक ऐसी बैटरी भी आती है जो नोकिया की है। अब हमने इसके लिए सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है। अब इसके अंदर क्या है, सबसे तो पहले तो हमें इस तरह की एक बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो कि यहाँ पे इसकी ये वाली साइड पे डलती है। अब आप इसको ओपन कीजिए तो यहाँ पे आप ये इस बैटरी को डाल सकते हैं, और इस तरह डाल दीजिए, मैं डालूंगा नहीं क्योंकि मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद हमने ये सारी चिमटियाँ भी छोटी छोटी ले ली हैं। छोटी छोटी चिमटियों से याद आया कि ये वाली चिमटियाँ हैं इस तरह की, और ये एक इस तरह का मैंने फिर स्क्रू ड्राइवर भी ले लिया, जिससे हम ये वाले सारे पेज ओपन करेंगे। क्योंकि जिस तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे एक पेज और एक यहाँ पे पेज। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर से देखने के लिए मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले तो हमें जाहिर बात है एक मेन स्पीकर है, स्पीकर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ साइड पे तीन बटन दिए गए हुए हैं, वो भी बटन निकलेंगे, और एक माइक्रोफोन जैक निकलेगा। उसके बाद एक ऑन ऑफ का बटन है, वो निकल आएगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास एक यूएसबी टाइप सी की केबल आती है, जो यूजुअली चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होती है। ये वाली जो इनकी केबल होती है, ये वाली ये यूएसबी टाइप सी की जो केबल होती है, वो वाली हमें एक मिलेगी। और एक टोटल यूएसबी की जो मेन केबल होती है वो, और एक कार्ड रीडर मोबाइल मतलब कार्ड के साथ। अब जरिए तो स्पीकर मिलेगा ही, बैटरी तो ये हमारे साथ सामने ही निकल आई। और अब ये सारा सामान है, अब इसको हम क्या क्या कर सकते हैं। अब ये वाली सारी चीज़ें हैं, इसको यहाँ पहले खोलना है, फिर इसको यहाँ से खोलना है, फिर यहाँ से और यहाँ से। अब आपके दिमाग में होगा कि अब इसे खोल के बंदा करने क्या लगा, ये पागल हो गया। वैसे एक टेक्निकली देखते हैं इसके अंदर क्या क्या खोलते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़ फाइनली यहाँ पे ये हमारा रेडियो रेडी हो चुका है, रेडियो ही कहेंगे इसको। अब जल्दी से मैं इसके सबसे पहले हमें इसके स्क्रू खोलने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं इसका जल्दी से स्क्रू खोल लेता हूँ। गाइस यहाँ से फाइनली हमारा ये लास्ट स्क्रू है, और इसके बाद हमारा रेडियो ओपन हो जाएगा, जो कि हो चुका है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे ओपन होगा, खैर अब तो ओपन हो चुका है। और अब स्क्रू तो किसी काम के हैं नहीं, तो साइड पर कर देते हैं इनको। मेन रेडियो पे आते हैं। ओह, रेडियो के साथ बैटरी कनेक्ट है, तो अब तो अच्छा चलो। ये तो हमारा शेल निकला, इसके बटन सारे गिर रहे हैं क्योंकि अब सारी पता है इन्होंने भी गिरना है, इन्होंने भी कहीं जाना है। इन बटन्स को भी साइड पर रख देते हैं क्योंकि ये बटन मेन जो कारकर्दगी है वो ये है। यहाँ पे मदरबोर्ड हमारा, ये है हमारे स्पीकर, ये जो स्पीकर है। और जब ये लिया था मैंने तब काफ़ी लाउड साउंड थी इसकी, और ये बैटरी के साथ कनेक्ट हैं। तो अब इसकी बैटरी को ओपन करने का कोई तरीका नहीं है, तो अब इसको अंदर लेकिन हम कर क्या कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये हमें सबसे पहले चीज़ मिलेगी। अब सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से ये इन दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पे पहले हम कट कर लेंगे, क्योंकि ज़री बात है जब भी हमने इनको मैनेज करना है तो हमें उसी से ही मैनेज करना पड़ेगा। ज़ाहरी बात है बैटरी के साथ इसको कनेक्शन देने के बाद ही ये चलेगा। सबसे पहले ऐसे ही रिमूव कर लेते हैं इन्हें। तो भाई यहाँ पे सारा बाहर आ चुका है सिवाय ये जो है एफएम रेडियो उसके, क्योंकि यहाँ पे वो कनेक्ट होगा उसी के साथ, तो इसे भी निकाल लेते हैं। तो फाइनली ये हमारा मेन जो रेडियो है वो यहाँ पे
यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मैं अभी इसे स्पीकर नहीं कह रहा, मैं रेडियो कहूँगा, क्योंकि बिल्कुल रेडियो सा लगता है। और अब ये तो इसका बिल्कुल डब्बा है, और उसके साथ ये इसका बैक पैनल था, और ये है इसकी बैटरी, और ये रहे कुछ इसके बटन्स। बटन्स को डालते हैं इसके अंदर, सारे इसके कंपोनेंट्स गए, पेच वगैरह वहाँ संभाल के रखेंगे। और यहाँ पे ये हमारा, अब इसके ऊपर वैसे हाँ एक काम कर सकते हैं कि अगर हम इसके ऊपर यहाँ बंद कर दिए इसे, तो यहाँ पे हम इसे चीज़ें रखने के लिए कर सकते हैं। और अब मेन हमें मिलेगा क्या, सबसे पहले तो LED मिलेगी। अगर आपका स्पीकर काम का है तो आप इसे चला सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद ये FM रेडियो की वायर, उसके बाद ये यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वायर है जिसे आप कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सारा मदरबोर्ड है। अब मैं आपको समझा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे इसे, अब इसे मैं थोड़ा करीब ले आता हूँ जिससे आपको सही तरह अंदाज़ा हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ पे एक बटन है जो ऑन ऑफ़ के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बाकी ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, और ये रही वो टाइप सी की के पोर्ट, ये मेन USB, एंड ये है वो, ये वो जो मोबाइल का ईयरफोन होता है उसके लिए जैक। और ये रहे यहाँ पे ये तीनों बटन, ये सारे बटन्स ही हैं। अब इनका फंक्शन ये होगा कि ये गाने को आगे वगैरह करेंगे। और ये रहा मेन बात, यहाँ SD कार्ड लगेगा या USB। तो भाई ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि एक इस तरह के स्पीकर में से आपको क्या क्या देखने के मिलता है। ज़ाहरी बात है जो जो कुछ निकलना था वो निकाल दिया, क्योंकि ये मेरे पास बिल्कुल ख़राब स्पीकर पड़ा हुआ था, मैंने इसको कुछ भी टेस्ट नहीं था कि इस वजह से खोल लिया था। और अब मेरा दिल कर रहा है, वाकई दिल कर रहा है कि मैं इसको टेस्ट करके देखूँ। अगर ये टेस्ट करके कामयाब हो गया तो भाई मज़ा आ जाएगा, इस जैसा मतलब के एक्सपीरियंस ही होगा या एक लक हो गया अगर ये चल गया। तो इसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये रेड पड़ा हुआ है। और कई बार आपको क्या होता है कि आपको जिस तरह ये चीज़ भी पसंद आती है और सब कुछ पसंद आता है, लेकिन फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते, वजह क्यों नहीं करते? जल्दी से करो सब्सक्राइब चैनल को, और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, आपको वीडियो पसंद आई है मतलब, तो लाइक करना तो ज़रूरी, चैनल को जो सब्सक्राइब करना। और मैं आपको मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।